एक क्वेश्चन है, इसको भी आप अगर ट्रिक से करोगे तो एक लाइन में कर सकते हो, अगर ट्रिक से नहीं करोगे तो नॉर्मल प्रोसेस से करोगे तो तुमको बहुत टाइम लग जाएगा यार, ठीक है। और अगर जिसको टाइम, ये कंपटीशन ये डिज़ाइन किया जाता है क्या टाइम बचाने के लिए, तो अगर टाइम बचाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है तो टाइम क्यों नहीं बचाए, टाइम कैसे बचेगा वो जब आप अच्छे वाले ट्रिक सीखोगे तब। ये कहता है M2, M3 है, M1 है, तीनों के मासेज इक्वल है और यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू प्रेजेंट है, जब इनको छोड़ोगे तो ये इधर आएगा ये एक्सलेशन से और वो दोनों को साथ लेके आएगा अपने साथ। तो कहता है डाउनवर्ड एक्सलेशन M1 की एक्सलेशन, एक्चुअली तीनों का एक्सलेशन इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, ठीक है, तीनों का एक्सलेशन मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा ये ऐसे, ठीक है। तो इसको पहला तो तरीका ये है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इक्वेशंस बनाओ, उसको सॉल्व करो। दूसरा तरीका है ट्रिक, ठीक है। ट्रिक से कैसे करोगे कि देखो, ट्रिक से कैसे करोगे, एक्सलेशन डायरेक्ट निकालने का क्या फार्मूला पढ़ाया था मैं, नेट पुलिंग फोर्स और डिवाइडेड बाई, इनको दोनों को एक मान लो, इन दोनों को एक में कंबाइंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों को अगर एक में कंबाइंड कर लोगे तो नेट पुलिंग फोर्स कितना है, M1G और माइनस नेट अपोज करने वाला बैकवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स फ्रिक्शन म्यू के नॉर्मल, M1 प्लस M2 नॉर्मल आ जाएगा, M2 प्लस M3G और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ मासेस M1 प्लस M2 प्लस M3। और अगर ये तीनों बराबर है, M1 M2 देखो, M1 M2 M3 तीनों बराबर है, तो अगर तीनों बराबर है तो समझ रहे हैं ना, यहाँ पे तीनों बराबर है तो M मतलब ये आ जाएगा, यहाँ से G कॉमन आ गया और G कॉमन आ गया और यहाँ से आ गया 1-2 म्यू और डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, जी 1-2 म्यू डिवाइडेड बाय 3, दैट इज सी ऑप्शन सही है। और नहीं तो प्रोसेस से करो, ठीक है, ये तो रहा ट्रिक, इससे तो बहुत आसानी से कर सकते हो तुम, ठीक है। तो ये तो एक लाइन में हो गया, और नहीं तो अगर आप प्रोसेस से करोगे तो देखो प्रोसेस से कैसे करोगे, ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका, क्या बना रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पुली लगी थी, ठीक है, और चलो यहाँ ऐसे पुली लगी थी, पुली पास हो रही थी, ये स्ट्रिंग। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, देखो सबसे पहले देखो इधर कौन सा मास था, सारे मास इक्वल है, ठीक है, AM है, चलो AM ले लेते हैं, ठीक है। इधर लगा MG माइनस, इस स्ट्रिंग में टेंशन T ले लेता हूँ, इस स्ट्रिंग में टेंशन T, MG माइनस T इज इक्वल टू MA, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम लिखो, इसमें टेंशन T इधर लगा और यहाँ पे टेंशन T- लिख देता हूँ, T-, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग बदल गई भाई, और साथ साथ इस पे फ्रिक्शन भी पीछे लगेगा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन बना, और ये भी एक्सलेशन से इधर ही आ रहा है, तो T माइनस फ्रिक्शन प्लस T डैश इज इक्वल टू MA, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसका इक्वेशन लिखो, छोटू वाले का सबसे लास्ट में जो है, छोटू नहीं, तीनों बराबर है, तो ये T- यहाँ लगा और इस पे फ्रिक्शन बाहर लगेगा, तो इसका इक्वेशन है T- माइनस फ्रिक्शन, दैट इज इक्वल टू MA। ये तीन इक्वेशन है, तीन अननोन वेरिएबल है, अब इनको सॉल्व करके A निकालो, और इट मेथड इज लेंदी, अगर हमें निकालना है इन तीनों को सॉल्व करो और कैलकुलेट करो, सॉल्व दिस 3 एंड कैलकुलेट द एक्सलेशन A, दैट इज लेंदी मेथड। तो ट्रिक जो है मोर इफेक्टिव होता है।